Hi students, till the last video I have covered introduction of sequence and series and arithmetic progression. In this video I'll be covering geometric progression and relationship between AM and GM. Fine, is it fine for you? Okay, so let's continue with this topic. So we are left with only basic concepts, permutations and combinations, basically. Fine. Okay, let's do this topic first. Like in AP, हम constant चीज़ plus या minus कर रहे थे. अब हम इसमें constant चीज़ GP में multiply या divide करेंगे. Let's see. एक journal GP A है, AR, AR square, AR cube, NH term क्या होगी? AR n minus 1, because ये first term है, second term है, AR n minus 1. We are multiplying R to every term. R कुछ भी हो सकता है, it can be 2, it can be 3, it can be anything. And same अगर 1/2 हुआ R, so we are dividing every time with 2, so that's also the GP. First of all, we need to understand difference between arithmetic progression and geometric progression. Geometric progression में multiply हो रहा है या फिर divide का operation हो रहा है. AP में क्या हुआ था, plus हुआ था या minus हुआ था? कॉन्स्टेंट चीज़, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है. फाइन, सो दैट्स द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. व्हेन वी ऐड दीज टर्म्स, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज. और यू कैन से geometric progression. Progression and the series is the same thing. अब हम इसका sum निकालें. क्या निकालेंगे? Sum of these kinds of sequences. First term क्या है इसमें? A से ही represent हो रही है. First term is R, जो है कॉमन फैक्टर कह लो. सम का फॉर्मूला टाइप करते हैं इसमें. ये इसका सम का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, लर्न. फाइन, ये अब मैं कोई एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लूँगी, उसका सम निकाल के दिखाती हूँ. सम निकालने से पहले एक मैं इजी क्वेश्चन ले रही हूँ. इसमें मुझे एन एच टर्म निकालनी है, ये एक जी पी है, एंड इसमें मुझे टेंथ टर्म निकालनी है. एन एच टर्म क्या होगी? ये ए आर एन माइनस nth term of GP. nth term A क्या है? 5. R common ratio. R क्या है यहाँ पर? common ratio. कैसे आएगी? 25/5 करके. कि 25 को हमने किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया? वो R होगा. तो मैंने इसको ऐसे समझने के लिए कि 25 को हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, लाइक 5 को हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा कि 25 आ जाए. 25/5. कॉमन रेशो का तरीका क्या है निकालने का? इजी, इसको इससे डिवाइड कर दो. हमेशा किसी को भी डिवाइड कर लो, कॉमन ही रहती है वो. 125 को भी हम 25 से डिवाइड करें तो 5 ही आएगा. कॉमन रेशो हमारे पास 5 आ गई. A हमारे पास 5 है,
एनएच टर्म क्या होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। एंड टेंथ टर्म निकालनी है मुझे, टेंथ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 5 × 5/9, 5/10, ये हमारी टेंथ टर्म आ गई। ठीक है, एनएच टर्म को मैं सॉर्ट करके भी लिख सकती हूँ, n-1+1 5/n। ठीक है, थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म 24 कैसे है, एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये है, तो हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर हमारे पास 24 है, सिक्स टर्म 192 है, सिक्स टर्म ये होगी, एंड टेंथ टर्म निकालनी है हमें। अब इसका निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों से हम क्या निकाल लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, या फिर हम इन दोनों से जब आर निकाल सकते हैं अपना, डिवाइड करके, डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास आएगा 24/192, ए तो कैंसिल हो गया, 1/r³ बचा, कैंसिल करके देखते हैं इसको, आर क्यूब आ गया 8 हमारे पास, आर आ गया 2, ठीक है। जब आर 2 आ गया तो हम किसी भी ए आर स्क्वायर 24 है, आर को 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 6, ए आ गया 6, ठीक है, आर आ गया 2, ए आ गया 6। अब टेंथ टर्म निकालने में क्या प्रॉब्लम आएगी, नहीं, ए 9 ये निकालना है, ए हमारे पास आ गया था 6, आर आ गया था 2, बस निकाल लो, 2/9 कैलकुलेट करने कर लो, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 3 × 2/10, 2/10 हमें पता है 1024 होता है, इंटू 3 12, ये आएगा, चेक इट। ये मैंने पूरा सॉल्व किया है, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको पूरा इजी वे में सॉल्व करके बताया है कि कैसे कैसे करना है। यू कैन पॉज दिस वीडियो, पहले खुद से करके देखना, फिर पॉज कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टेप्स यूज़ करे। ए निकाला है, आर निकाला है, देन मैंने ए आर से टेंथ टर्म निकाल ली, टू इक्वेशंस गिवन थी, टू वेरिएबल्स थे, उसमें से ए और आर निकल गया दोनों, इट वॉज जस्ट टू सिंपल। क्वेश्चन का दैट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12, द प्रोडक्ट इज -1, फर्स्ट थ्री टर्म्स। अच्छा हाँ, हमें ए पी में कैसे लेनी है, टर्म्स हमने टेंथ में किया था, मैं उसको नोट्स देती हूँ अभी उसके, कि हमें थ्री टर्म्स कैसे लेते हैं हम एपी में, थ्री टर्म्स कभी भी एपी में लेते हैं हम तो ऐसे नहीं लेते, देखो a-d a+d, थ्री टर्म्स हम हमेशा ऐसे लेते हैं, क्योंकि जब हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 3a बचे, d d कैंसिल हो जाए,
ठीक है। सेम हम हमारे पास स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए हमने जी पी लिया ए बाय आर ए आर प्लस ए, सिंपल हो गया हमारे लिए। आर अगर हम ए लेते फिर हम लेते ए आर फिर हम लेते ए आर स्क्वायर, वो भी सेम ही बैठता, ठीक है। बट हमारे पास स्क्वायर्स आते, आर कैंसिल ना होता, सो हमारे लिए इजी रहा ये वाला थ्री टर्म्स लेने, ठीक है। तो थ्री टर्म्स जी पी में कैसे लेनी है, ए बाय आर ए आर ए। क्विक भी तो करना है हमें, फाइन। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जी पी, देन प्रोडक्ट गिवन है माइनस वन, प्रोडक्ट से क्या हुआ हमारे पास ए क्यूब आ गया, ए आ गया माइनस वन, ए माइनस वन आने से क्या हुआ, हमने उसमें ही सब्सटीट्यूट किया, सम था हमारे पास 13/12, प्रोडक्ट से हमने वो निकाला माइनस वन, ए को सब्सटीट्यूट किया, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगी, टू वैल्यूज आएंगी आर की, सो देर कैन बी थ्री टर्म्स ऑफ जी पी। दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो जी पीस हो सकती हैं जिसमें आर एक माइनस थ्री बाय फोर है, एक का माइनस फोर बाय थ्री है, तो ये या फिर ये वाले, फाइन। ये देख क्वाड्रेटिक बनेगी, पहले प्रोडक्ट से हमें माइनस वन निकाला, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, देन टू जी पीज आ गई। ये वाला इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, मैं ये कराती हूँ अभी। आप अप्लाइड के लिए कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, जीवन संस पब्लिकेशंस की जो भी है वो भी करें, बट एनसीईआरटी कोर मैथ्स की बेसिक वर्कशीट ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि एनसीईआरटी से ही आ जाए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें एक ट्रिक लगती है, तुम ट्रिक ही ना लगा पाओ तुम आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे। अब हमें ये करना है इसको प्लस, कैसे करेंगे, ठीक है। ये जीपी तो नहीं है, अब हमें जीपी में रिलेट कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे। ऊपर भी सेवन कॉमन ले लिया मैंने, पहले सेवन कॉमन लेने से क्या हुआ, ये रहा, ठीक है, सेवन कॉमन लिए सिर्फ। अब मैं ऊपर भी नाइन से मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे भी कर दिया मैंने, फाइन। देखते जाओ मैं क्यों कर रही हूँ, बाद में अपने आप समझ आ जाएगा क्यों कर रही हूँ मैं। नाइन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टेन माइनस वन, नाइन्टी नाइन को हंड्रेड माइनस वन, टेन क्यूब माइनस वन, टेन पर फोर माइनस वन, अप टू एन, ये कितनी बार आएगा, माइनस वन एन टाइम्स, सारे माइनस वन मैंने इकट्ठे कर लिए जिसने लिख दिया माइनस एन, सारे ये इकट्ठे कर लिए कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ये बनेगा इसका सम मैं निकाल सकती हूँ। जीपी का सम क्या था, ए वन माइनस आर पर एन, वन माइनस आर, आर क्या है इसमें कॉमन रेशो, टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन विल गिव यू टेन, फर्स्ट टर्म इज टेन, वन माइनस टेन एन, वन माइनस टेन, टेन माइनस माइनस एन, ये मैंने फिलहाल इसका सम लिख दिया, मैंने जीपी का सम निकाल के अलग से निकाला, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज, ये आ गया मेरे पास,
ठीक है, मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसकी जगह ये चीज़, लेट्स डू। मैंने उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैं एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में आ गई। अब मैं क्या करूँगी, दोनों के साथ माइनस साइन है, मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ 10/9, ताकि मुझे ये माइनस साइन बार बार तंग ना करे। मैंने जीपी से इसका एक सम का फॉर्मूला निकाल दिया, बस मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। आई कैन फाइंड, इसको और भी कर सकते हो आप, अच्छा चलो इसको हाँ कर सकते हो और सॉल्व, वरना आप तक भी छोड़ सकते हो, जैसे अगर मैं इसको और करना चाहूँ सॉल्व, प्लस एन तो 10 - 10n + 1 + 9n / 9 7/9 9n - 10n + 1 + 10, ठीक है। आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, बट सीक्वेंस जीपी में नहीं थी, हमने जीपी में लाए एंड हमने कॉमन फार्मूला बना दिया एक, कि सिर्फ हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। वी ओनली नीड टू नो द नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम इसका हम डायरेक्टली एन को पुट करके निकाल सकते हैं। देखो ये डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं एनसीईआरटी में, मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको। यू कैन पॉज द वीडियो एट एनी स्टेप एंड कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन, बट खुद से करके देखना, मैं फिर से कहूँगी। आई थिंक सो इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बता दूँ, क्योंकि एम और जी मैंने बता दिया तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो, ये 17 to 18 मिनट्स की पहले ही हो गई है, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैंने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पहले निकाला हुआ है, देन मैं उनको रिलेशनशिप बता रही हूँ उन दोनों में। सो प्लीज़ वॉच द एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड डू वन थिंग फॉर मी, प्लीज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एनी टाइम आई विल रिप्लाई यू within some time. So please write each and every point by yourself if you have any confusion regarding any point. Fine, so please go through all the videos and start your preparation, because it's high time, you have to be fast. So thanks for watching my videos and please subscribe my channel. Thanks.